भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। गायत्री मंत्र मैंने शुरू से कहा, आज और थोड़ा व्याख्यान करूंगा कि गायत्री मंत्र हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया कि जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ऋण हो, जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा हो, जिन पर बंधन कर दिया गया हो, जिनको मृत्यु से भय हो, जिन पर काला जादू का असर हो, मतलब जितने भी तरीके के प्रॉब्लम से जो घिरा हो, उनके लिए एक ही उपाय होता है, वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कालांतर में बहुत अंडरप्ले किया गया, क्योंकि गायत्री का कोई विशेष हवन होता नहीं है, कोई बहुत बड़ा पूजा या आडंबर होता नहीं है। हर व्यक्ति गायत्री माता का पूजा खुद कर सकता है, साधना खुद कर सकता है, इसीलिए इस उपाय को बहुत ज़्यादा गुप्त रखा गया। आप लोगों को गायत्री के महत्व के बारे में क्या बताऊं, दुनिया का जो सबसे सटीक मारण प्रयोग है, जी मारण प्रयोग, वो गायत्री मंत्र से ही होता है। लेकिन वो सिर्फ दुष्टों पर किया जा सकता है, एक आम व्यक्ति पर आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन वो अचूक मारण होता है और वो लौटता भी नहीं है। तो इतना शक्तिशाली है गायत्री, जिसको आप लोग बस ऐसे ही सुनते रहते हो अनुराधा पौडवाल की आवाज में। देखो, गायत्री मंत्र और गायत्री तंत्र दो अलग विषय है, ठीक है। गायत्री मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र का जाप जो है वो आपके इंटेलेक्ट को बढ़ाता है, वो आपके आसपास का जो बैड एनर्जीज है उसको गायब कर देता है। और गायत्री का जो तंत्र है वो हर तरीके का मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण हर चीज को काटने का काम करता है। क्यों इतना प्रभावशाली है गायत्री मंत्र? क्योंकि गायत्री से ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, जो आदि शक्ति है उसको ही गायत्री कहा गया। वेद का एक भाग है आत्रेय ब्रह्मण, उसमें बोला कि ज्ञान त्रयते सह गायत्री, मतलब जो गया की रक्षा करे। गया किसको कहते हैं? गया का मतलब होता है प्राण, तो जो आपके प्राण की रक्षा करे वही गायत्री है। शंकराचार्य भाष्य में बताया गया कि गायत्री जो है वो रितांबरा प्रज्ञा, मतलब जो प्योर इंटेलेक्ट होता है उसको जो खोल दे, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है उसको जो खोल दे, वही गायत्री है। मतलब गायत्री के जाप से आपको सद्बुद्धि आती है। और मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपकी बुद्धि खुल जाए तो फिर किसी भी तरीके का अभिचारी प्रयोग आप पर काम नहीं करेगा। तो आज मैं आपको गायत्री मंत्र से गायत्री तंत्र की ओर लेके जाऊंगा। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि गायत्री का बहुत सारा तांत्रिक प्रयोग है। गायत्री मंत्र अभी स्क्रीन पे है। देखो, गायत्री में एक चीज है कि गायत्री अधिकृत लोग ही पढ़ सकते हैं, जिनको अधिकार है गायत्री पढ़ने का उन्हीं को गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो गायत्री का कैसे कैसे प्रयोग है, आज जो मैं आपको प्रयोग बताऊंगा वो है कृत्या की शांति के लिए। अब कृत्या क्या होती है? दस महाविद्या के विषय में जब मैं बता रहा था, आप लोगों को बताया था कि देवी धूमावती जो है, माता धूमावती जो है, वो जो उग्र दस महाविद्या है उनका केंद्र है और उनके चारों तरफ कृत्याएं रहती हैं। और वो कृत्याओं का काम क्या है? वो जिस चीज को छू दे, जिस चीज को स्पर्श कर दे, वो चीज प्राणविहीन हो जाती है। तो वो कर्म के क्षेत्र में भी और प्राण के क्षेत्र में, दोनों में काम करती है। तो जिनका जिनको ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कृत्याओं का प्रभाव है, जो जिस चीज़ में हाथ लगा रहे हैं वही खराब हो रहा है, तो उनके लिए ये प्रयोग बहुत ही आसान और बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। ऐसे दो तीन छोटे लेकिन बहुत प्रभावशाली विषय में गायत्री के बारे में बताता हूँ। जिनको लगता है कि उनके प्राण पर संकट है,
जो दौड़ भाग कर रहे हैं कि वो बगलामुखी का हवन करवा रहे हैं या महामृत्युंजय का जाप करवा रहे हैं। देखो, एक चीज़ तो है कि किसी और से करवाना और खुद करने में अंतर होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जिनका आवाहन आप खुद नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो बता रहा हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको प्राण का संकट है, तो कंठ तक अगर आप जल में खड़ा होकर के और गायत्री का जाप करिएगा, तो आपके प्राण के ऊपर का जो संकट है वो निकल जाएगा। मतलब इससे ज़्यादा प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं कि कृत्या का निवारण कैसे करें। मतलब अगर आप चारों तरफ से जिस काम में हाथ लगाते हैं वो खत्म हो जाता है, तो उसका उपाय कैसे करें। तो करना क्या है, एक औकात अनुसार, चाहे तो सोने का, चांदी का, तांबा का, ऐसा वृक्ष जिससे दूध निकलता हो। सारे वृक्षों से दूध नहीं निकलता, जिन वृक्षों का पूजा होता है उससे दूध निकलता है, तो वैसे वृक्ष के लकड़ी का एक कटोरा या मिट्टी का, अगर कुछ ना मिले तो ऐसा एक बर्तन लीजिए और उसमें पंचगव्य से मतलब पंचगव्य में दूध मिला करके और उसका एक पंचामृत बनाइए। जो वृक्ष ऐसा हो जिससे दूध निकलता हो, वैसा ही वृक्ष की लकड़ियां लेकर के आइए हवन के लिए। ये जरूरी नहीं है कि किसी एक विशेष वृक्ष का वो लकड़ी हो, लेकिन वो वृक्ष ऐसा होना चाहिए जिससे कि दूध निकलता हो। ठीक है, तो उससे ही हम हवन करेंगे। उसके बाद जो नॉर्मल हवन सामग्री है वो ले लेंगे। ठीक है, और आहुति देते टाइम क्या करना है कि हाथ में आपने हवन सामग्री ली, उसको पंच गव्य जो आपने बनाया है उसमें स्पर्श कराएंगे, फिर मंत्र पढ़ेंगे, हाँ, और कूस रखिएगा हाथ में, और पंचगव्य से जिस स्थान पर करना है आप, उस मतलब जहां आपको लगता है कृत्या का सर है, उसका मार्जन कीजिए। जितना देर में आप मार्जन करने का मतलब होता है कि कूस डुबा करके छींटा मारना, तो मार्जन करिएगा, और उसके बाद जब मंत्र संपूर्ण हो जाएगा तो फिर आप उसको उसका आहुति दे दीजिएगा। ठीक है, सिंपल है। थोड़ा आपको सुनने में अगर लग रहा हो कि क्या बता दिया, तो मैं फिर से बताता हूँ। कटोरा लीजिएगा, सोना, चांदी, तांबा या फिर लकड़ी का, काठ का वो होना चाहिए, ऐसे पेड़ का होना चाहिए जिस पेड़ में दूध हो, और अगर कुछ ना मिले तो एक मिट्टी का बर्तन, लेकिन किसी में भी छेद नहीं होना चाहिए, उसमें पंचगव्य तैयार कीजिए। ऐसे वृक्ष की लकड़ी लाइए जिससे दूध निकलता हो और उसको काट करके उसी लकड़ी पे हवन होगा। ठीक है, पंचगव्य आपने रख लिया, हवन सामग्री रख लिया, हवन सामग्री आपके यहाँ जो उपलब्ध है वही हवन सामग्री। मैं अगर हवन सामग्री बताऊंगा तो हो सकता है आपके यहाँ ना मिले, तो उस हवन सामग्री को ले लेंगे। हाथ में हवन सामग्री रखा, उसको पंचगव्य में स्पर्श कराना है। ठीक है, पंचगव्य में स्पर्श कराया, हाथ में आपका कूस रहेगा, कूस उंगली में बांधते हैं, तर्जनी में, उससे आप ये इस पंचगव्य में डुबा करके जहां आपको लग रहा है कृत्या का असर है वहां उसके छींटे मारिए जब तक आप मंत्र जाप कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी आहुति दे दीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद माँ को आप बलि दीजिएगा, बलि में आप ईख दीजिएगा तो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, इतना अगर आप कर पाए तो आपके यहाँ जो भी कृत्या होगी वो शांत हो जाएगी। ये प्रयोग ऐसे तो एक दिन में भी असरदार होता है, लेकिन आपके यहाँ अगर बहुत ज़्यादा कृत्या का असर है, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ही डेड हो गया आपका एसेट, तो एक सप्ताह तक इस प्रयोग को कीजिए। इस प्रयोग को करने के लिए अगर आप अधिकृत हैं तो खुद से कीजिएगा। गायत्री के लिए अगर आप अधिकृत हैं तो खुद से कीजिएगा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अधिकृत नहीं हैं तो किसी ब्राह्मण को बुला लीजिए जो कि गायत्री मंत्र जिसको गुरु मुख से मिला हो। गायत्री मंत्र से कैसे भागता है, अगर किसी ने आप पे बाण का प्रयोग किया हो तो बाण कैसे जो है आपके शरीर से हटेगा। हाँ, इस तरीके से काफी सारे ऐसी सिद्धियां हैं। जैसे किसी कार्य को आप करने जा रहे हो तो सिर्फ गायत्री के जाप से उस कार्य में सफलता मिलेगी, या फिर मान लो आप पे बंधन लगा है तो क्या करना है, सिर्फ मन मन आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। इतना ही करने से किसी भी तरीके का किसी स्थान पे बंधन होता है तो वो टूट जाता है। ठीक है, पूरे विषय का समारोप ये है कि मैं आने वाले दिनों में आपको गायत्री तंत्र
तंत्र के बहुत सारे आयाम बताऊंगा। और गायत्री तंत्र का सबसे बढ़िया बात यह है कि हर गृहस्थ इसको कर सकता है। बस एक चीज आप लोगों को ध्यान देनी है, अगर आप लोग गायत्री में किसी से गुरुमुख हो जाइए तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि एक बार अगर गायत्री मिल गया उसके बाद किसी भी मंत्र की आपको जरूरत नहीं होगी, धन धान्य और हर चीज़ से आप परिपूर्ण होंगे। आज के लिए इतना ही। दूसरा साधना शिविर शिवपुरी में होने जा रहा है इस महीने के 13-14 तारीख को। आप लोग रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे जाके करवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए भी वेबसाइट पे जाएं। जिनको साधना का नया आयाम जानना है, जिनको साधना के मूलभूत विषयों को जानना है, वो मेरे बेसिक ग्रुप में जुड़ सकते हैं, कल परसों में शुरू होगा। आप इसके लिए मुझे व्हाट्सअप करें, ये पेड ग्रुप है। भूत प्रेतों में जिनको इंटरेस्ट है, कैसे बात करें, क्या होता है, मेरी किताब पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट कॉल करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिएगा और मुझे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे जाके आप मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। माँ गायत्री आप लोगों की रक्षा करें, ऐसे ही मेरी कामना। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।